जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आपका बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, उसके अंडरटेकिंग जो आपकी एजेंसी है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों क्या है वैकेंसी, पूरा विवरण मैं इसमें बताने वाला हूं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है। जिन बच्चों का सपना है और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते लेकिन उनकी स्किल अच्छी है बातचीत करने की, तो वो ज़रूर इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली है ये आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है ये वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन है वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे और इसका जो नोटिफिकेशन है हाल ही में रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन भी आपको दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन आपका IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली यानी आपके इंटरनेशनल जो राजीव गांधी के नाम से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो आपका एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, वो आपकी जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी भर्तियाँ लेता है, वो उसकी रिक्रूटमेंट ऑफिस है दोस्तों, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। क्या है नोटिफिकेशन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट दिया है वॉक इन रिक्रूटमेंट भुवनेश्वर एयरपोर्ट, यानी आपको सीधा इंटरव्यू के आधार पर भर्ती किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। सैलरी क्या है सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरा विवरण इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। भुवनेश्वर में वैकेंसी निकली है, पहली जो वैकेंसी है वो आपकी हैंडीमैन की है और जिसके अंदर आपकी 150 पोस्ट लगी हैं हैंडीमैन, और दूसरा है हैंडी वोमेन, उसके अंदर आपकी 38 पोस्ट हैं। हैंडीमैन और हैंडी वोमेन दोनों का जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू आपका 15 मार्च को होगा, आपका 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो गवर्नमेंट हाई कॉलेज, ठीक है, कपिला प्रसाद जाटनी, ये आपका उसका एड्रेस दिया हुआ है, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में ही इसी एड्रेस पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। किसका, हैंडीमैन और हैंडी वोमेन का, दोनों का, ठीक है, जिनके अंदर अच्छी खासी पोस्ट हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है जिसके अंदर 2 पोस्ट है वो आपकी जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 2 पोस्ट हैं, और आपकी 27 जो पोस्ट रखी गई हैं वो आपके रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, जो आपने देखा होगा जो रैंप लेके घूमते हैं एयरपोर्ट पर, उनकी भी एक गवर्नमेंट टाइप की जॉब होती है दोस्तों, उसके अंदर भी आपकी 27 पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सैलरी कितनी दे रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और आपके ड्यूटी मैनेजर पैक्स की आपकी 1 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स की आपकी 2 पोस्ट है, और आपकी कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव उसकी आपकी 79 पोस्ट है दोस्तों, यानी लगभग 80 पोस्ट उसके अंदर रखी गई है, ठीक है। तो सारे पोस्टों को देखें तो बहुत अच्छी खासी इसमें पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको इसमें जो आपको भर्ती किया जा रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखी गई है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, तो ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी जो निकाली गई है इसमें इंडियन नेशनल जो भी अपने भारतीय मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो अप्लाई है और जो इंटरव्यू है और जो जॉब लोकेशन है वो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर पर ही रहने वाला है दोस्तों। देखो सीधी सी बात है, आपको जॉब करना है तो घर से निकलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो घर से बाहर जाके भी आपको जॉब मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचो घर के पास जॉब लगना बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन घर के बाहर जॉब मिलना बहुत बड़ी मुसीबत है दोस्तों, ठीक है। तो आपको घर से बाहर निकलना जरूर पड़ेगा। इसमें आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा। अगर आपकी जॉब एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपको बाद में भी इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। और इंटरनल कैंडिडेट आल्सो मे बी अप्लाई, ठीक है, वो आप इंटरनली जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है दोस्तों। अब इसमें करना क्या होता है, काम क्या क्या होता है, वो सबसे पहले देखो, रैंप पैसेंजर बैगेज इनका हैंडलिंग, ये आपका केबिन क्लीनिंग, ये आपका काम होता है जो रैंप
ड्राइवर होता है रैंप का जो चलाता है उसको, उसका काम होता है, तो वह गेज होता है पैसेंजर्स का, उसको लेके आता है बाहर वहाँ तक, ठीक है, वो उसका काम लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपका विजन भी क्या है वो मैंने बता दिया, ठीक है, यही इसका विजन है, मिशन है। अब हम थोड़ी सी इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी कितने मिलने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपके ड्यूटी पैक्स मैनेजर के अंदर आपकी ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, 16 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 45,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, और जो आपकी आयु सीमा मैक्सिमम है वो आपकी 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको अच्छा खासा नॉलेज है, ग्रेजुएशन को किए हुए लगभग आपको नॉलेज हो गए हो, 10 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया हो, तो आप इसमें डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके काम क्या क्या होंगे, वो ड्यूटी मैनेजर पैक्स का क्या काम होगा वो भी इसमें लिख रखा है, उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका मेन जो काम है वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का होता है, ठीक है। अगला ड्यूटी ऑफिसर पैक्स की हम बात करें तो उसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है, 12 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जिसके अंदर आपको 32,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, 50 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी आप देख रहे हो दोस्तों बहुत अच्छी खासी, आपको उसका नेचर भी क्या है वो भी दे रखा है, उसको किस टाइप का आपको जॉब करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो हमारी जो बात है वो हम कर लेते हैं। अगला जिसके अच्छी खासी आपकी 79 जो पोस्ट है उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यानी कस्टमर को जो एग्जीक्यूट करने का जो काम करेगा वहाँ पर, ठीक है, उसको अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी आप 10वीं 12वीं प्लस ग्रेजुएट हैं, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, प्रेफरेंस अलग चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, और आपको लगभग 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। एज की बात करें तो आपकी 28 साल एज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, 18 से 28 साल अपर एज में एज पर आपकी कैटेगरी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके जॉब उसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन क्या होगा या जॉब नेचर क्या होगा, तो आपको मेनली जो पैसेंजर्स होते हैं उनको चेक इन करना है, वेब चेकिंग का काम जो होता है वो करना है, ठीक है। एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर भी बैठा जा सकता है, बोर्डिंग पर भी बैठाया जा सकता है आपका, ठीक है। टर्मिनल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा इसमें यह है, मतलब आपको एयरलाइंस के जो सेटिस्फेक्शन वाले काम होते हैं वो आपको सभी करने होते हैं दोस्तों, क्योंकि उसी बात की आपको सैलरी दी जा रही है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जिसके अंदर आपकी बीटेक मांगी गई है दोस्तों, ठीक है, बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रिकल या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, किसी में भी अगर आपने बीटेक की हुई है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो आपको 29,960 रुपये पर मंथ सैलरी के रूप में दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपके रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी पॉलिटेक्निक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI की हुई है, ITI भी अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से यानी NCVT से अगर आपने ITI की हुई है, टोटल 3 ईयर्स ITI की वो है, 2 साल की भी ITI होती है, वो भी अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके अंदर आपकी 24,960 सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन इसके साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो आपके पास कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस हो उसका टेस्ट लिया जाएगा, वो लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है। और रैंप ऑपरेटर का काम होता है कि ऑपरेशंस जो होते हैं वेरियस ग्राउंड में, उनको सपोर्ट इक्विपमेंट ले जाने का काम वो रैंप जो ड्राइवर होता है वो करता है दोस्तों, ठीक है, रैंप जो गाड़ी होती है उससे। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, आपको 10वीं पास हैं आप और आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है और आपको सैलरी इसमें 21,270 रुपये पर मंथ दी जाएगी, इसमें कोई भी छुट्टी का कुछ नहीं काटा जाएगा आपकी, ठीक है, उसके हिसाब से। अब आपको ये भी बता दिया कि आपको किस तरह की छुट्टी, कैजुअल लीव भी दी जाएगी, आपको सिक लीव भी दी जाएगी, ठीक है,
और प्रिविलेज लीव है, एलिजिबल है, जो आपको लीव है वो सारी लीव भी दी जाएंगी। तो ठीक है, तो ये भी आपको वही है। तो वर्क का पैटर्न भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है, 3 शिफ्ट में आपसे काम कराया जाएगा, या तो आपको इंक्लूडिंग जिसमें नाइट शिफ्ट भी रहेगी, डे की शिफ्ट भी रहेगी और मॉर्निंग शिफ्ट भी रहेगी। ठीक है, वीकली ऑफ भी रखा जाएगा, आपको रोटेट करके ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको 21,270 रुपये दिए जाएंगे। जनरल की बात करें एज की, तो आपके 18 साल इसमें मिनिमम एज, मैक्सिमम एज रखी गई है, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। अपर एज में एज पर कैटेगरी रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। जॉब नेचर की बात करें तो आपका हैवी व्हीकल जो लैक ट्रैक्टर बस ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट ओपिनियन, ठीक है, अपॉन ट्रेनिंग एंड आल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इनका काम होता है, रैम्प ड्राइवर का काम होता है, जो ट्रैक्टर उसके अंदर चलते हैं या बस चलते हैं या फिर आपके ग्राउंड सर्विस के कोई भी इक्विपमेंट चलते हैं उनको लाने ले जाने का काम उनका होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है हैंडीमैन और हैंडी वूमेन, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें इसकी इस नोटिफिकेशन के अंदर रखी गई हैं, जिसके अंदर आपकी 10वीं पास मांगी गई है और आपको इंग्लिश सिर्फ पढ़ना और लिखना और समझ में आना ज़रूरी है दोस्तों। आपसे बुलवाया नहीं जाएगा इंग्लिश, लेकिन आपको हिंदी का आपको बोलना आना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आपको 18,840 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। एज की बात करें तो आपके 28 साल मैक्सिमम एज है और एज पर कैटेगरी आपको छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जॉब में आपकी प्रोफाइल क्या है, क्या काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एट द एयरपोर्ट पर मेनली बैगेज कार्गो लैंडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट ट्रॉली केबिन क्लीनिंग फंक्शन क्लीनिंग एयरक्राफ्ट जो आपके हैं वो टेक्निकल वर्कशॉप होते हैं, व्हील चेयर होती हैं, उनको असिस्टेंट करना यानी उनको लाने ले जाने का आपका काम होगा। आपको इंटाइटल के लिए बता दें आपकी कैजुअल लीव भी रहेगी, सिक लीव भी रहेगी और आपके ये भी आपका फंड में भी पैसा काटा जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपके 3 शिफ्ट रखी जाएंगी, ठीक है, और 3 में आपकी नाइट शिफ्ट भी रहेगी और वीकली ऑफ भी दिया जाएगा। 3 शिफ्टों में आपका काम चलेगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो चेंज आपस में कर दिया जाएगा शिफ्ट के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। इंटरव्यू आपका, इंटरव्यू में क्या क्या होगा, इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जिसमें आपका, मैं आपका हैंडीमैन की बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें जाएं दोस्तों, ठीक है। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 मार्च को एज काउंट की जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपका एक फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है और भर के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है दोस्तों, ठीक है, और ये आपका सब कुछ ले लिया जाएगा, या इस फॉर्म को लेके आप सीधे वहाँ पर भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसमें मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें भरने वाली है नहीं, इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना ऐसे कोई भी बात इसमें नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन है उनकी सबकी मार्कशीट, देखो जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म भर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट लगना तो लाजमी है, वो तो लगेगी दोस्तों, लगाना भी है, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना है आपको EWS कैंडिडेटों के लिए, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस है उनका दोनों साइड का जीरोक्स कॉपी लगाना है, और अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का भी आपको जीरोक्स कॉपी लगाना है, लगा के और जो एड्रेस दिया है मुंबई वाला उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपको सीधा इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। इंटरव्यू देने कहाँ जाना है वो भी मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दिया, भुवनेश्वर में आपका इंटरव्यू होगा, अलग अलग डेट पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करना चाहते हैं और जहाँ आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है तो दोस्तों वहाँ पर मत जाइए, ये आपकी एक जॉब सिक्योरिटी वाली
जॉब है दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपको कोई भगा सकता नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी फिक्स जॉब है दोस्तों, ठीक है। तो वैकेंसी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका फॉर्म कैसे भरना है अगर आप बताएंगे तो मैं इसको भर के भी बता दूंगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये आप इसका फॉर्म लिंक जो डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, और इसको आप सरकारी जॉब या आप फ्री जॉब अलर्ट में जाके इसको देख भी सकते हैं, सीधा गूगल पर टाइप करके भी आप इसका निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।